हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ बंधन बैंक के बारे में कि बंधन बैंक कैसा बैंक है। आप में से ही किसी व्यूवर ने ये मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर एक वीडियो बनाए जिसमें कि हमें इस बैंक के बारे में जानकारी दीजिए कि कैसा बैंक है। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को इस बैंक के बारे में बताऊँगा। अगर आप अपना अकाउंट इस बैंक में ओपन करते हो तो आपको क्या फ़ायदा या फिर जो है क्या नुकसान आपको देखने को मिलता है। तो सो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होती है इस चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। दोस्तों, अब बात करते हैं इसी बैंक के बारे में। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और बिल्कुल नया नया बैंक है। मतलब इसका जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट या फिर इसकी स्थापना कह लीजिए, ये जो है 2015 में हुई, यानी कि अभी मान के चलिए कि उसके 4-5 साल ही हुए हैं। और जिस लिहाज से ये परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा बैंक, बहुत बढ़िया बैंक। इसकी सर्विसेज को लेकर के मैं किसी भी तरह कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि सर्विसेज की बहुत अच्छी हैं। और अगर आप अकाउंट वगैरह ओपन कराना चाहते हो तो बिल्कुल आप बेझिझक अकाउंट ओपन करा सकते हैं, इसमें आपको किसी भी तरह कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, ये नया नया बैंक है बट यहाँ पे जो है इसने काफ़ी कमाल का काम किया, मतलब बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका हेड क्वार्टर जो है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तो अगर आप जो वेस्ट बंगाल से हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको जो है ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर आप इस बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो, क्योंकि जहाँ पे इसका हेड क्वार्टर, जाहिर सी बात है उसके आसपास के एरिया में इसकी ब्रांचेस ज़्यादा होंगी, तो इसलिए आपको ज़्यादा आसानी होगी अगर आप जो है वेस्ट बंगाल के हैं तो, क्योंकि वहाँ पे इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगी। और दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगी, इसके जो देश भर के अंदर बैंकिंग आउटलेट्स होते हैं वहाँ पर आपको पता है कि बहुत सारे काम होते हैं बैंकिंग के, चाहे तो आप KYC करा सकते हैं, अकाउंट ओपन करा सकते हैं, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। तो ये जो है टोटल जो है 4,288 यानी कि 4,288 जो है इसके देश भर में जो है बैंकिंग आउटलेट्स मौजूद हैं, जिसमें से कि 1,009 ब्रांचेज़ हैं, 1,009 इसमें से ब्रांचेज़ हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है 3,084 जो है डोर स्टेप सर्विस सेंटर्स हैं, यानी कि ये बैंक जो आपको डोर स्टेप सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। डोर स्टेप सर्विस में क्या होता है कि जैसे कि बहुत सी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसके लिए कि आपको जो ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप घर बैठे ही वो काम कर सकते हो, जैसे KYC हो गया या फिर जो है आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं, मतलब बहुत सारा काम आप जो है घर बैठे कर सकते हैं जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं डोर स्टेप सर्विस। और ये मैं समझता हूँ कि आपके टाइम में हर बैंक को प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि बैंकों की एक तो भीड़ कम होगी और लोगों को और ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। और अगर इसके टोटल ATMs के बारे में बात करें तो यहाँ पे 485 के आसपास, यानी 500 के आसपास मान सकते हैं इसके जो है टोटल ATMs मौजूद है देश भर में, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये बार बार आपको मैं क्यों हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी किसी बैंक के बारे में वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसके ब्रांचेज और ATMs के बारे में क्यों बताता हूँ, तो मैं आप लोगों को इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी और जितने ज़्यादा ATMs होंगे उतने ज़्यादा आपको जो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतने ज़्यादा एरिया को कवर करेंगे जिससे कि आपको अकाउंट ओपन करने में या फिर किसी भी तरह अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप ब्रांच विजिट कर सकते हैं। और अगर ब्रांचेज कम होंगी तो हो सकता है आपके आसपास के एरिया में मौजूद ही ना हो, तो इसीलिए जो है ब्रांचेज ज़्यादा होना एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। और दोस्तों, बात करते हैं इसकी सर्विसेज के बारे में, तो आपको सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती हैं, किसी भी तरह कोई कमी नहीं है। इतना मतलब कि नया बैंक होने के बावजूद भी बैंक छोटा ही है, इसके जो है टोटल एसेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, उस लिहाज से बहुत छोटा ही है, मतलब कुल इसकी संपत्ति के हिसाब से ये बैंक छोटा है, बट यहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी सर्विसेज मिलती हैं जो आपको इसी लेवल के दूसरे बैंक में नहीं देखने को मिलती। जैसे कि क्रेडिट कार्ड को ले लीजिए, तो IDFC फर्स्ट बैंक जो है वहाँ पर आपको जो क्रेडिट कार्ड अभी के टाइम में नहीं मिलता, बट हाँ जल्दी आ जाएगा, वहाँ पर भी क्रेडिट कार्ड की सर्विस आपको मिलेगी, आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, इस बैंक में आपको जो क्रेडिट कार्ड की सर्विस मिलती है, आप चाहे तो इस बैंक से जो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बैंक आपको क्रेडिट कार्ड भी इशू करता है और ये अभी के टाइम में सिर्फ 3 तरह के कार्ड ही इशू करता है, जो कि एक वन क्रेडिट कार्ड, वन नाम का है, एक है प्लस और एक है एक्सक्लूसिव नाम का। और ये जो है जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप है इनकी, और ये जो उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करके आपको जो है ये क्रेडिट कार्ड जो है प्रोवाइड करते हैं। और लोन वगैरह भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो छोटे मोटे लोन जो इजीली मिल जाएंगे, अप्रूव हो जाएंगे। तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आप इसमें बिल्कुल अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप जो है छोटे मोटे ट्रांजेक्शन कर या फिर अगर आप जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हैं तब भी अपना अकाउंट इस बैंक में ओपन करा सकते हैं, किसी भी तरह कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आप जो बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं और आप अपने बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे रखते हैं
तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जो किसी दूसरे बैंक को चूज़ करिए, जैसे कि हो गया HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक या SBI, इस तरह के बैंक आप चूज़ करिए। वैसे अगर आपको प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना है तो मैं यही तीनों बैंक आपको रिकमेंड करूँगा, HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक, इन्हीं तीनों में से आप किसी भी बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन करते हो या फिर अपने बैंक में ज़्यादा पैसे रखते हो तो आपको ऑफ़र्स मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स मिलते हैं। उसमें प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का भी ऑफ़र होता है, प्री अप्रूव्ड लोन का भी ऑफ़र होता है, मतलब बहुत सारे आपको ऑफ़र्स देखने को मिलते हैं। तो ये फ़ायदा होता है जब अपने अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर अपने अकाउंट में ज़्यादा पैसे रखते हैं तो। बट यहाँ पर क्या है, अगर आप बंधन बैंक में आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं, अगर आप जो है ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अपने अकाउंट में ज़्यादा पैसा रखना चाहते हैं तब भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है चाहे तो बंधन बैंक में अपना अकाउंट ओपन करके ये सारे काम कर सकते हैं। बट फ़ायदा किस में ज़्यादा है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप बंधन बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हो, ज़्यादा बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर ज़्यादा पैसे रखते हैं अपने अकाउंट में तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। और वहीं अगर आप जो है अपना अकाउंट किसी दूसरे बैंक जैसे कि HDFC बैंक हो गया, फिर ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक हो गया, वहाँ पे अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं और ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं और ज़्यादा पैसे रखते हैं अपने अकाउंट में तो आपको वहाँ पे ऑफ़र्स मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स मिलते हैं। तो बस यही फ़र्क है। और अगर आप वैसे एक नॉर्मल यूज़र की तरह से आप अपना अकाउंट को यूज़ करना चाहते हैं, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करते हैं, आमतौर पर जो ट्रांजेक्शन होते हैं वैसे ट्रांजेक्शन करते हैं और चाहे तो बड़े ट्रांजेक्शन के लिए भी इस बैंक को चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि आपको फ़ायदा कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, वो आपकी मर्ज़ी, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल रहा है और आपको कहाँ ज़्यादा सहूलियत मिल रही है, तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और फ़ायदा होता है, अगर आप जो है अपना अकाउंट बंधन बैंक में ओपन करते हैं तो अभी नया नया बैंक है और अगर आपके एरिया के अंदर जो है ब्रांच इसकी मौजूद होंगी, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो ज़्यादातर सिटीज़ के अंदर हैं और यहाँ पे जो है कोई सेमी अर्बन या मतलब कोई स्मॉल सिटीज़ में हो सकता है कि मुश्किल हो, लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे इसकी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप जो किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे इसकी ब्रांच मौजूद है तो आप बिल्कुल अकाउंट अगर आप ओपन कराएंगे तो आपको एक फ़ायदा और देखने को मिलेगा कि अभी नया नया बैंक है तो भीड़ कम होगी, मतलब रश कम होगा बैंक में, ब्रांच के अंदर जो है रश कम, जिससे कि आपके जो काम होते हैं वो और तेज़ी से होंगे और फास्ट होंगे, यानी कि सर्विस भी इसकी फास्ट होगी। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा, नया बैंक है, भीड़ कम होगी, आपके काम जल्दी जल्दी होंगे, ये भी एक फ़ायदा हम गिन सकते हैं इस बैंक का। तो अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं बिल्कुल आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं इस बैंक से ले सकते हैं, बैंक अच्छा है, बढ़िया बैंक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बस यही आप लोगों को बताना था इस बैंक के बारे में कि कैसा बैंक है, सर्विसेज वगैरह कैसी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।